गुड मॉर्निंग एवरीवन. बेटा वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द नंबर सिस्टम राइट. टुडे यू आर हैविंग द टेस्ट आल्सो. एट 2 o'clock यू विल गेट योर टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट. ओके सो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस. Hurry up, start doing. See, बच्चे, exponents में जैसे आपकी बुक में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में. बट इतने सिंपल क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है. यू हैव डन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन योर 7th क्लास आल्सो. बेस्ड ऑन दैट ओनली वी हैव द क्वेश्चंस. सो वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, द चांसेस आर लेस. यू विल गेट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स, ठीक है. जैसे ये हो गया, इन विच यू हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑन डिफरेंट नंबर. सो हरी अप, start doing. After 5 minutes, after 3-4 minutes I will discuss. Do your own, everyone. Yes, students, hurry up, online students. Do these sums, beta, quickly. अच्छा, नाइन्थ नहीं आएगी तो टेंथ कैसे आएगी बेटे? नाइन्थ के कंसेप्ट टेंथ में दोबारा करवाएंगे आपको. चलो एनीवेज, लुक ऑन द बोर्ड, सी स्टूडेंट्स, 256 रेस टू पावर 5/4 ओवर 81 रेस. मतलब इसका क्या है? इसका मतलब दोनों की पावर है 5/4. बोर्ड पे देखिए, अब डिनोमिनेटर में 4 है तो आपने ये कोशिश करनी है कि बेस आपके पास इस तरह से आए कि उसकी पावर क्या है, 4. तो यू हैव डन 256 होता है 4 raised to power 4, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू मेक द फैक्टर्स. अब आपने 2 के फैक्टर्स बनाए वंशिका जैसे, तो आपके पास आया 2 raised to power 8, वो भी ठीक था. अगर हम वैसे करें 2 raised to power 8 into 5/4 ओवर 81 के जब आप फैक्टर्स बनाते हो तो 3 raised to power 4 बनता है. ये थोड़ी की शॉर्टकट मारे 9 into 3 square 3 raised to power 4 is 81. इसका मतलब इसकी भी पावर ब्रैकेट है तो दोनों की पावर है 5/4. 4 2s are, तो ये आया 2 raised to power 10, 3 raised to power 5.
अब दोनों में क्या है, पावर्स डिफरेंट है, पावर्स डिफरेंट हो गई। तो अगर हम इसको इस तरह से करते हैं, गिव मी द डस्टर, वन डस्टर वुडन वाला, सी हियर, अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ, फोर रेज टू पावर फोर इंटू फाइव बाय फोर डिवाइडेड बाय थ्री रेज टू पावर फोर इंटू फाइव, फोर फोर गेट कैंसल, फोर की पावर फाइव, थ्री की पावर फाइव, इट मीन्स आंसर इज फोर बाय थ्री होल पावर फाइव। सी यू आर गेटिंग, यू विल बी गेटिंग दी एमसीक्यूज, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शन whether you are getting 4 by 3 raised to power 5 or after solving. अगर आपके आपने सॉल्व किया, आपके पास आया 4 by 3 raised to power 5, आंसर आ गया, सीधा टिक करोगे, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो, जब हमने इसकी पावर की थी, हमारे पास आया था 2 raised to power 10 over 3 raised to power 5, अभी किया था ना, तो उसमें हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है 2 raised to power 10 over 3 raised to power 5, though you are doing it correctly. अगर एमसीक्यू नहीं होता तो आपको नंबर मिलते, लास्ट स्टेप का हाफ काटते हम या नहीं भी काटते, लेकिन क्योंकि ऑप्शन है, एमसीक्यूज है, तो उसमें अगर वो ऑप्शन ही नहीं है तो इसका मतलब आप सही तरीके से नहीं उसको स्टार्टिंग कर रहे। पावर कोशिश किया करो कि सीधी सीधी पावर कट जाए, ठीक है? ठीक है जी, नेक्स्ट, यू को समझ आई बात? हाँ, यस मैम, चलो सी द नेक्स्ट वन एवरीवन। फिफ्थ रूट ऑफ 32 रेज टू पावर माइनस 3, कवर नोट क्या आंसर है? गलत आ रहा, तुझे क्या पता सही क्या है? रेज टू पावर माइनस 3, लेट्स सी, फिफ्थ रूट ऑफ 32 क्या है? 2 रेज टू पावर 5 इन रेज टू पावर माइनस 3, फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये ब्रैकेट है, पावर से पावर मल्टीप्लाई, 5 इंटू माइनस 3 इज माइनस 50। अगर जैसे ऐसे होता है क्यूब रूट, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, एक्स रेज टू पावर 1 बाय 3, यस, रूट में होता है 3, तो ब्रैकेट 1 बाय 3 करते हैं, अब 5 है तो क्या करेंगे, 1/5, जो भी नंबर, पंशिता इधर देखो, आपको ये समझ आ रही बात? क्या पूछ रहे हो, ये वाला समझ आ रहा है? ठीक है, जो नंबर रूट में है उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/5, इट मींस 2 रेज टू पावर माइनस 15 इंटू 1/5, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट गया, आंसर इज 2 रेज टू पावर माइनस 3। Now you have to see the options whether you have 2 raised to power minus 3 or we know this is negative power in the, yes, 1/8, negative power in the numerator, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 cube which is equal to 1/8। अब देखो कौन सी ऑप्शन दी है, ये दी है, ये दी है, ये दी है, ऐसे नहीं होगा ना कि दो ऑप्शंस करेक्ट हो, अगर दो ऑप्शंस करेक्ट है तो लिखा होगा बोथ ए एंड बी ऐसे करके, फाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, सो वेरी सिस्टमैटिकली यू हैव टू डू द सम, अदरवाइज इट इज नॉट डिफिकल्ट। रेणु का आपने सारे कर लिए बेटा? ये वाला आंसर आया था, ये समझ आ गया अब? ओके, नेक्स्ट वाला किया है, नेक्स्ट वाला ट्राई की, बहुत इजी है, बोर्ड पे देखो, अखिलेश आपने किया है, इसमें क्या मुश्किल है? ये इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है, इसको हमने हटाकर क्या लिख दिया, 1/2, ये समझ आ गई बेटा बात? नाउ इट मींस ये 1/2 पावर जो है वो किसकी है, इसकी भी है और इसकी भी, x raise to power minus 2 into 1/2, y raise to power 3 into 1/2 is 3/4. Is this step clear? 2
के साथ टू कट, x raise to power minus 1, y raise to power 3 by 2. So answer is y raise to power 3 by 2 over x. ये minus नीचे चला गया. It was very easy sum. फाइल इजी था, कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ पावर में 1 by 2 करके अंदर जो भी है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया. So we cannot do so many questions है ना एक ही तरह के. आपको concept समझा दिया, उसके related कुछ कुछ questions करवा दिए हैं पेपर में. अब chance की बात है यही आ जाए, different आए, ठीक है. The concept should be clear. Fine. Next. This is very easy. क्या आंसर आया साहिल? वन आया. ये वाला बेटे क्या है? सबका सेम आ रहा है. चलो ओके ओके, आप इसका बता रहे हो अब. चलो दिस इज वेरी इजी बेटा, लुक ऑन द बोर्ड. हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर बता दो. Anyone online who will tell me the answer? Yes, Dhiren. 15 raised to power 3 divided by 2 raised to power 9. Okay. 15 raised to power 3 divided by 2 raised to power 9. Okay. ठीक है. So let us solve for those who is unable to solve. डिनोमिनेटर में यहाँ पावर में क्या है? टू. तो हम इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर, ब्रैकेट हटाई देते हैं, इनटू 3 बाय 2 इनटू 243 है. यस इट इज डिविजिबल बाय 3. वैसे अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे 243 के, यू विल गेट 3 रेज टू पावर 5. 3 रेज टू पावर 5 इनटू 3 बाय 5 ओवर. यस डिनोमिनेटर में 4 है तो 16 को 4 स्क्वायर में लिखोगे. क्या लिखोगे? 2 रेज टू पावर 4 इनटू 5 बाय 4. यस वेरी इजी, ठीक है. अब कटिंग कर देंगे, कटिंग 5 5 4 4 3. क्या बचा? 5 क्यूब इनटू 3 क्यूब ओवर 2 रेज टू पावर 5 इनटू 2 रेज टू पावर. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है बेटा, वैसे तो एमसीक्यू है. अगर वैसे एमसीक्यू ना होता तो बोलते हैं कि लॉज भी लिखो साथ में, ठीक है. नाउ द बेसिस आर डिफरेंट, पावर्स आर सेम. सीधे लिखेंगे 15 क्यूब, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर वही रहती है. एंड सेम बेस डिफरेंट पावर, सो पावर्स विल बी एडेड 2 रेज टू पावर 9. नाउ फर्दर इट कैन नॉट बी सॉल्व, दिस इज द आंसर, ठीक है. मींस इसको आपस में कुछ कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर बनते हैं फैक्टर्स 3 और 5, नीचे 2 है. नाउ इट डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शन यू आर गेटिंग, 15 × 15 × 15, ठीक है, या यही सॉल्व सिंपलीफाई करके ऑप्शन है, या यही है, ठीक है जी. नेक्स्ट का आंसर 1. अर्जुन 1. ओके सो आई होप इट इज क्लियर. फाइन See the next question. हाँ जी कितने बच्चों का आंसर आया? 1 ऑनलाइन. 1 2 3 4 रेज योर हैंड जिन जिनका आंसर 1 आया. किसी का आंसर नहीं आया 1 बेटे? जयति, धीरेन और अपरन. What about others? लग ऐसे ही रहा है, यही 5-6 बच्चे, जयति, अपरन, धीरेन, ये लक्ष्य बस, ये रिद्धिका दे देती है कई बार आंसर, एक जोत है, बाकी सब का पता नहीं. एनीवेज लुक ऑन द बोर्ड. नाउ डिनोमिनेटर में पावर क्या है? 4. तो इसको हम लिखेंगे 3 पावर 4, इसको लिखेंगे 2 पावर 4. यस
3 raised to power 4 over 2 raised to power 4 into minus 3 by 4 multiply. Yes. 5 square over 3 square raised to power minus 3 by 2 divided by 5 by 2 raised to power minus 3. इसको बेटा ऐसे नहीं काटोगे ऐसे. पहले 3 by 2 power 4. अब एमसीक्यू में तो अपने माइंड में काट सकते हो, ठीक है ना? ये कट गया, क्या बचा? 3 by 2 raised to power minus 3. बट फिर भी स्टेप वाइज करवाऊंगी. दोनों की पावर 4 है तो कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है? रेस टू पावर माइनस 3 बाय 4 इंटू 5 बाय 3 2 इंटू माइनस 3 बाय 2, दोनों की पावर 2 है, कंबाइन करके लिख दी, डिवाइडेड बाय 5 बाय 2 रेस टू पावर माइनस 3. 4 गेट कैंसल विद 4, 2 गेट कैंसल विद 2, वी आर लेफ्ट विद 3 by 2 raised to power minus 3. ये आया सबका यहां तक? करेंगे अब, करेंगे अब, करेंगे. देखो बेटा, जैसे नेगेटिव पावर है ना, कर सकते हो, बट व्हाट वी विल डू, वी विल मेक आवर टर्म्स पॉजिटिव. नेगेटिव पावर है, इसको लिखेंगे 2 बाय 3 रेस टू पावर 3 इंटू 3 बाय 5 रेस टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 बाय 5 रेस टू पावर 3. नाउ पावर्स आर पॉजिटिव, व्हेन द पावर्स आर पॉजिटिव देन द क्वेश्चन गेट्स इजियर इन आवर माइंड. 8 ओवर 27 कहाँ लगने लो? अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर लग सकता लो, बिकॉज द पावर्स आर सेम, ये डिवाइड होगा तो आप लॉ लगा सकते हो, इधर भी लग जाएगा. ओके ठीक है, जैसे मैं अभी कर रही थी सॉल्व करके, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो देखो एक सेम पावर तो ये डिवाइड होगा 3 बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 बाय 5 रेस टू पावर. ये हो गया इनटू 5 बाय 2 रेसिप्रोकल करके. थ्री रेस टू पावर नंबर फिर जीरो, वो फिर तुक्का लग गया ना तेरा आंसर बनना आगे, पर जरूरी नहीं. Bases are different, powers are same and multiply sign. So the powers will get multiply and the power will remain the same. One cube answer is one. Fine. यहाँ divide का sign था ना बेटे, divide का sign था बेटा, जब minus था तो रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना दिया, ठीक है? हाँ वो तब होता है अगर बेस सेम हो, यहाँ बेस डिफरेंट है ना और पावर सेम. ए रेस टू पावर एम डिवाइडेड बाय बी रेस टू पावर एम, अब बेसिस डिफरेंट है पावर सेम, अगर बेसिस डिफरेंट है पावर सेम तो बीच जो बेसिस है वो डिवाइड हो जाती है, पावर वही रहती है. जो आप कह रहे हो वो ये है a raised to power m divided by a raised to power n is a raised to power m minus n, जिसमें बेस सेम होता है, ठीक है बेटा? फाइन. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू सम्स ऑफ रैशनलाइजेशन. Find the value of A and B.
चलिए स्टार्ट डूइंग. सी बेटा, सी द सॉल्यूशन. आई कैन सी दैट फ्रॉम द स्टूडेंट दोज हु आर इन द क्लास दैट यू पीपल हैव नॉट अटेंडेड द क्लासेस प्रॉपरली. दैट्स व्हाई सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व. प्लीज लुक ऑन द बोर्ड बेटा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टाइप. We will rationalize, इसके साथ कंपेयर करना युग आगे. We will rationalize the left hand side. Look here. Root 3 minus 1 over root 3 plus 1. Now we have root 3 plus 1 in the denominator. So we will multiply. Did you get the answer, Jashan? फिर बेटा समझ लो. We will multiply with root 3 minus 1 and also we will divide it with the same number. Now in the numerator we can see root 3 minus 1, root 3 minus 1 will become root 3 minus 1 square. Yes. And whenever we rationalize, always in the denominator we get the identity a plus b into a minus b. That is a plus b into a minus b is a square minus b square. So, root 3 square minus 1. Numerator mein beta identity ban rahi hai kaun si? A minus b whole square. Yes or no? A minus b whole square. Ya aap aise bhi kar sakte the. Seedha. Theek hai? So, a square plus b square minus 2ab. Ab dekho, ye 8 ka concept hai. Theek hai? आपके पास चैप्टर था अलजेब्रा, उसमें ये वाले फॉर्मूले के बेस पे कितने क्वेश्चंस थे. अब मैं इस क्लास में वो फॉर्मूले का कंसेप्ट दोबारा दोबारा नहीं ना समझाऊंगी. ऐसे ही जब आप टेंथ में चले जाओ तो जो नाइन्थ में डिटेल में किया वो डिटेल में थोड़ी कर पाओगे, क्योंकि वहां उस टाइम उसका सिलेबस करना है. नीचे क्या होगा? रूट थ्री स्क्वेयर थ्री माइनस, सो थ्री रूट थ्री स्क्वेयर इज थ्री प्लस वन ओवर टू. ये सम ट्राई करना खुद ही. अभी देखो, फोर माइनस टू रूट थ्री ओवर टू, टू कॉमन, टू माइनस रूट थ्री ओवर टू, ये कट गया. हमारे पास आया टू माइनस रूट थ्री. इसको हमने कंपेयर करना था ए प्लस बी रूट थ्री से. ऑन कंपेयरिंग व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, रूट थ्री की जगह पे रूट थ्री, रूट थ्री के साथ बी है, यहाँ रूट थ्री के साथ क्या है माइनस वन. तो वैल्यू ऑफ बी इज माइनस वन. लक्ष्य एंथिरेन कुछ पूछना है बेटे? इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज लोअर इट. यस धीरेन. मैम, अगर जो उसकी जो वैल्यू है वो टू ना होकर टू फोर माइनस टू रूट थ्री नहीं होती तो सेवन माइनस टू रूट थ्री होती, तो फिर वैल्यूज क्या होती? कैसे कैसे, एक मिनट, क्या होती अगर? मैम, अगर फोर जो वहाँ पे फोर माइनस टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू है, उसकी वैल्यूज अगर सेवन माइनस टू रूट थ्री बाई टू होती तो इधर देखो, अगर मान लो यहाँ फोर था तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, बोर्ड पे. यस दिव्या, ऊपर फोर था तो हमने कॉमन लिया, टू कट गया. अगर ना कटता तो इसका मतलब सेवन के नीचे टू. मान ले यहाँ पर फाइव होता सपोज, तो यहाँ फाइव ना भी कोई कटिंग हो इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो ए इज सेवन बाय टू, बी इज माइनस, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे है तो अलग कट. ओके मैम, ठीक है बेटा. All right students, so the bell has gone. See you tomorrow.